नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल मेघा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ संगीत के प्रारंभिक अलंकारों के बारे में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया था और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह बताई थी कि अलंकार हमें पैटर्न वाइज फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, अलंकार को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसका पैटर्न समझ लेने से भी काम चल जाएगा। अगर आप उसके पैटर्न को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, आपको कभी भी अलंकार रटना नहीं पड़ेगा। आज हम अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे और उन अलंकारों को हम शुद्ध स्वर में लेंगे। ये शुद्ध स्वर के अलंकार होते हैं, इनको हम बिलावल थाट के अलंकार के नाम से भी जानते हैं। इनका जो पैटर्न हम फॉलो करेंगे वो सीढ़ी नुमा होगा, स्टेयर वाइज। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे। इसलिए हम इनको सीढ़ी नुमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फर्स्ट अलंकार में हम सिर्फ एक एक स्वर लेंगे, आरोहण और अवरोहण। सेकेंड अलंकार में हम दो स्वर लेंगे, सारे रे ग म प प ध न नि नि सा, सारे रे ध ध प प म म ग ग रे रे सा। तीसरे अलंकार में तीन स्वर लेंगे, इसी तरह क्रम बढ़ता जाएगा, आप नोटिस करें। तीसरा अलंकार, सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि न नि सा, सारे ध नि ध प ध प म प ग ग म ग रे ग रे सा। नेक्स्ट फोर, सारे ग म रे ग म प करेंगे। जब आपका ये गले में बिल्कुल लगा कि हाँ अब मेरा सुर बैठ गया है, तब आप मात्राओं के साथ इन सबका रियाज कर सकते हैं। आगे चल के मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगी जो आप देखकर सीख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें।